सो यस हाय फ्रेंड्स, दिस इज सतीश अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक, सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम बहुत सारे सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, हम BCAA यूज़ करते हैं, हम ग्लूटामिन यूज़ करते हैं, हम क्रिएटिन यूज़ करते हैं, हम L-Arginine यूज़ करते हैं, सब बेसिक सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं आज के लाइफस्टाइल में। आजकल जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसके हिसाब से हम मसल बिल्डिंग के लिए या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम ये सब सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक सप्लीमेंट को भूल जाते हैं, जो पीछे छोड़ देते हैं, जो कि है ओमेगा 3। ओमेगा 3 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। मैं इसको सप्लीमेंट नहीं बोलूँगा, मैं एक तरीके से मैं ये डेली यूज़ करने वाला एक चीज़ बोलूँगा। जिस तरीके से आप डेली खाना खाते हो उसी तरीके से ये डेली बेसिक नेसेसिटी में आना चाहिए। ओके सो पहले हमको समझना ये ज़रूरी है कि ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा 3 का मतलब क्या है, एक फैट्स है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैट्स है। अब ओमेगा 3 के अंदर कौन से दो फैट्स आते हैं, एक आता है फिश ऑयल आता है, एक आता है फ्लैक्सीड ऑयल आता है। ओके सो दोनों का अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग वाइटामिन्स मिनरल बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पूरा भरा पड़ा है, एकदम वाइटामिन्स मिनरल से भरा पड़ा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो ओमेगा 3 है, फिश ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, ये दोनों के अंदर आपको कभी भी कोई ड्रॉबैक देखने नहीं मिलेगा, पूरा पूरा खाली बेनिफिट है। ओके सो फिश ऑयल एंड फ्लैक्सीड ऑयल। तो फिश ऑयल कैसे बनता है, फिश ऑयल रॉ फिश में से एक्सट्रैक्ट करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके फिर उसको फिश ऑयल को बनाते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अगर फ़िश खा रहा हूँ पका के तो फिर मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। अगर आप फ़िश को पकाते हो तो उसके अंदर ओमेगा 3 मर जाता है, क्योंकि ओमेगा 3 का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अगर हीट लगेगा तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको रॉ फिश में से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको मशीन के थ्रू प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उसको कैप्सूल के फॉर्म में तैयार करते हैं। फ्लैक्सीड, अब फ्लैक्सीड मतलब क्या है, उसको हिंदी में हम अलसी बोलेंगे। अगर आप कोई भी शॉप पे जाओगे, बनिया के शॉप पे जाओगे, आप उसको बोलोगे मेरे को अलसी का बीज चाहिए, तो आपको दे देगा, छोटे छोटे दाने रहते हैं, आपको वो घर पे लाके उसका उसको क्या करते हैं, उसको मशीन में डाल के उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें का जो ऑयल निकलता है उसको रिफाइन करके फिर उसका कैप्सूल बना के आपको देते हैं, ठीक है। सो अभी हमको समझना ये ज़रूरी है कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पॉर्टेंस बहुत सारा है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंस है ओमेगा 3 का कि हार्ट जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जो हार्ट अटैक होता है, ओके, ये बहुत ही काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके हार्ट में कोई भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने नहीं देता है। सेकंड चीज़, बोन का डेंसिटी मेंटेन करके रखता है, आपका जो बोन, जैसे एज जब होता है तो बोन का डेंसिटी कम होने लगता है, और आपने सुना होगा कि कोई एजेड व्यक्ति रहेगा अगर गिर जाता है तो उसका बोन टूट जाता है। सो ये सिर्फ बोन की डेंसिटी की कमी की वजह से होता है, तो ये क्या करता है, बोन की डेंसिटी मेंटेन करता है। थर्ड, मसल रिकवरी में हेल्प करता है, जब आप कोई भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी वेट ट्रेनिंग करते हो तो उसको मसल्स को रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। फिर फोर्थ, ब्रेन को अलर्ट रखने में काम करता है, ब्रेन बहुत तरीके से सोचने में काम करता है, ठीक है, ब्रेन अच्छा सोचेगा तो आप अच्छे काम कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से सोच पाओगे, तो ब्रेन को अलर्ट रखता है, ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं उनको अलर्ट रखता है। पांचवा, कि सारे सेल्स के जितने भी आउटर लेयर है वो फैट से बनते हैं, तो अगर अच्छे फैट्स आप खाओगे, अच्छे आपके सेल्स के आउटर लेयर बनेंगे तो आपका सेल्स भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो ये बेसिक जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि हमको ये डोज लेना कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्सीड ऑयल ले लो, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश ऑयल ले लो, ठीक है। दोनों के क्या बोलते हैं हम, वाइटामिन्स मिनरल अलग अलग है, लेकिन मैं कोई भी वेजिटेरियन को ये नहीं बोलूँगा कि यार आप फ़िश ऑयल ले लो। फिश ऑयल नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हो, उसमें भी ओमेगा 3 है, ठीक है। फ्लैक्सीड ऑयल, फ़िश ऑयल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, कोई भी आप स्टोर पे जाओ या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, आपको इजीली मिल जाएगा। मैं अब आगे बताता हूँ कि आपको क्या देखना है, उसके अंदर कैसे लेना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो अब ये अलग हो गया। उसके बाद एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि लेना कितना है।
ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से दिन का 2 कैप्सूल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो दिन का 1 कैप्सूल। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि ये जो कैप्सूल होते हैं ना, ये जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं या ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स होते हैं, इनको कभी भी एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के बाद, प्री और पोस्ट वर्कआउट नहीं लेना है कभी भी। इसको हैवी मील, जिस तरीके से आप लंच करते हो, डिनर करते हो, हैवी मील के टाइम पे लेना है ये चीज़। सो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो दिन का 2 लोगे, लंच में 1 लोग, लंच के बाद 1 लोगे, डिनर के बाद 1 लोगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ डिनर के बाद 1 लोगे या तो लंच के बाद 1 लोगे। लेकिन मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने डाइट में इसको इंक्लूड करो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये बीमारियों से दूर रखेगा। एक इम्पॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट रखता है आपका, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखता है। मैं काफ़ी साल से खा रहा हूँ, मेरे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, इम्यून सिस्टम अच्छा खासा बूस्ट रखता है ये। सो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजेंट मेक एनी सेंस, लेकिन आपको इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब बात आता है कि हमको ये लेना कैसे है। ठीक है, सो मैं बेसिकली अभी तक मैंने 3 से 4 ब्रांड मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वो GNC से। ठीक है, सो GNC का मैं अभी फ़िलहाल कॉस्टली है तो GNC मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वाव से। वाव एक कंपनी है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ठीक है, वाव एक कंपनी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैं वाव का पहले लेता था, लेकिन अभी कैसा हो गया, जब स्टार्टिंग में आता था तो ये थोड़ा चीप था, लेकिन अभी ये थोड़ा महंगा हो चुका है। लेकिन आप कोई भी फ़िश ऑयल लोगे, अभी आप अमेज़ॉन पे या कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, आप फ़िश ऑयल डालोगे ना, फ़िश ऑयल या फ्लेक्सी सीड ऑयल, सो आपको n नंबर ऑफ कंपनीज़ मिलेंगे। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है। देखिए, इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा आपको। इसके अंदर जो आपको पीछे देखने सप्लीमेंट फैक्ट रहता है, सप्लीमेंट फैक्ट्स के अंदर आपको सिर्फ जाके देखने का है कि इसमें EPA और DHA कितना होता है। 1000 mg का एक कैप्सूल होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 1000 mg का एक कैप्सूल आता है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल है, ये फ़िश ऑयल है। ठीक है, मैं फ्लेक्सी सीड ऑयल नहीं लेता क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन, तो ये फ़िश ऑयल है, 1000 mg का कैप्सूल है। सो इसके अंदर होता है EPA DHA, तो आपको जाके देखना है EPA कितना है, DHA कितना है। इसमें है EPA 550 और DHA है 350, तो दोनों मिला के 900 हो रहा है। ठीक है, सो मतलब EPA DHA है, मतलब वो फ़िश ऑयल आपको लेना है। अगर कोई भी फ़िश ऑयल के पीछे या फ्लेक्सी सीड ऑयल के EPA DHA नहीं दिख रहा है तो आपको वो नहीं लेना है। फिर दूसरा ब्रांड जो मैंने स्टार्ट किया था वो मसल ब्लेज का मैंने स्टार्ट किया था। ओके, सो मसल ब्लेज का मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वाव से कंपैरिजन में मेरे को ये थोड़ा सा चीप में मिल गया। इसमें थोड़ा सा EPA DHA कम है, लेकिन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। 800-900 में अभी फ़िलहाल ये चल रहा था, सेल चल रहा था, तो 800-900 में आपको आराम से 180 कैप्सूल्स मिल जाएगा। सो इसमें एक कैप्सूल 1000 mg के एक कैप्सूल में EPA 180, DHA 120। ओके, सो आपको कोई भी फ़िश ऑयल आप अगर मार्केट से ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके पीछे आप इमेज देखोगे तो उसके पीछे दिखेगा आपको EPA और DHA। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ़िश ऑयल जब आप परचेस करोगे तो आप पीछे क्या देखोगे। अभी आपको फ्लेक्सी सीड ऑयल अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उसके पीछे सप्लीमेंट फैक्ट्स में रहेगा ALA, वो भी 1000 mg का एक कैप्सूल रहता है, लेकिन उसमें आपको देखना है ALA, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, ALA कितना मात्रा में है। ठीक है, ALA होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ब्रांड के पीछे ALA, अगर ALA का बायोफर्गेशन नहीं दिया है तो आप वो फ्लेक्सी सीड ऑयल नहीं लोगे। सो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको फ़िश ऑयल और फ्लेक्सी सीड ऑयल कैसे लेना है, कैसे परचेस करना है, क्या देखना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, या मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये ले सकते हो कि नहीं ले सकते, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं उसका। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेरियन कौन सा यूज़ कर सकते, नॉन वेजिटेरियन कौन सा यूज़ कर सकते, तो मेक श्योर आप अपने डाइट में इंक्लूड करो। ये मत सोचो यार कि मैं एक्सरसाइज करूँगा तब लूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा तब लूँगा। मैं आज भी एक्सरसाइज नहीं कर, घर पे जो भी है कर रहा हूँ, कोई मैं ले रहा हूँ, नहीं करता था तो भी मैं लेता था क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो यार, लेकिन आपको एक हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बहुत दूर रखता है ये चीज़। आप दिन का एक कैप्सूल भी, अगर आपका बजट कम है तो एटलीस्ट आप दिन के एक कैप्सूल तो लेना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपका बजट अच्छा है तो दिन का 2 कैप्सूल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
लंच के बाद या डिनर के बाद प्री और पोस्ट वर्कआउट कभी नहीं लेना है। अगर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, आप बहुत बिजी हो, अपने बैग में डब्बा रखो इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्सिस ऑयल का डब्बा रखो, नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश ऑयल का डब्बा रखो, लंच के बाद या डिनर के बाद एक निकाल के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 500-1000 रुपये अगर साल महीने में जा रहा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक बड़ी बीमारी से, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आप बच सकते हो, ठीक है। सो, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सतीश फिटनेस सीरीज। ओके, टिल देन मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नया वीडियो बनेगा, कुछ नया टॉपिक, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।